हाय, दिस इज मयंक शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग मैथ्स गुरु मयंक चैनल। कैलकुलस की सीरीज की ये तीसरी वीडियो है जिसमें आप लोग देखोगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हम लोगों ने इससे पहले कंटिन्यूटी देखा है और डेरिवेटिव का बेसिक देखा है और उसमें डीवाई पर डीएक्स वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये भी सॉल्व किया है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो वो भी पहले आप देख लीजिएगा। हम लोग का जो टारगेट है वो 15 to 17 days में 20 days में आपको मैं चाहता हूं कि सभी वीडियोस दे दूं जिससे कि आप ज्यादा से जल्दी से जल्दी अपनी कैलकुलस कंप्लीट कर लो। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, जब आप लोग किसी का भी पहले डेरिवेटिव करते हैं जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन है इसका, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर। कैसे होता है ये कि पावर सामने आती है और एक जो होती है पावर वो कम हो जाती है। इसके बाद ये हो गया डेरिवेटिव, जो कॉन्सेप्ट आपको पता है। सेकेंड ऑर्डर मतलब कि जब इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसको उसका दूसरा नाम हायर ऑर्डर भी होता है। तो जब हम लोग दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर अगेन वर्ड यूज कर लीजिएगा, तो ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। इसको जो लिखने का तरीका होता है वो यही होता है। आप इसको डी स्क्वायर वाई या डी एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ सकते, आपको इसको पढ़ना भी ऐसे ही पड़ेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। उसका रीजन भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो ये आपका आ जाएगा 3 to 6x। इसका रीजन ये होता है कि अगर इसको स्क्वायर पढ़ेंगे तो ये जो स्क्वायर होता है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स और इसका स्क्वायर और इस दोनों में डिफरेंस होता है, ये इक्वल नहीं होते हैं। इस वजह से कुछ क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये आ सकता है कि इक्वल हो, लेकिन जो ये रूल नहीं है कि ये इक्वल ही होंगे, इसीलिए इसको लिखने का तरीका हम लोग बदलते हैं। और ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन सिर्फ टू तक हो सकता है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि रेगुलरली आप एन टर्म्स तक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, आप इसका एन टाइम्स डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और इसी वजह से इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। इतने सिंपल क्वेश्चन तो आपको मिलने वाले हैं नहीं, और डेरिवेटिव अगर आपको आता है तो इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि आप अगेन एंड अगेन आपको डिफरेंशिएशन ही तो करना है और एक बार डिफरेंशिएट होने के बाद तो फंक्शन और सिंपल ही बन जाता है। तो प्रॉब्लम इसमें क्या आएगी, आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे प्रूविंग वाले, जिसमें आपको कोई भी टर्म दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि ये चीज प्रूव करिए। तो प्रूफ करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि हम लोग डायरेक्टली जो चीज आपको क्वेश्चन में दी जाती है वो निकाल के पुट कर देते हैं, वो थोड़ा लॉन्ग पड़ता है मेथड, लेकिन हर बार आप कर पाओगे। दूसरा होता है कि हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं क्वेश्चन में और अपना दिमाग लगाते हैं कि इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, तो वो चीज भी मैं सिखाऊंगा आपको और डायरेक्ट पुट करना भी सिखाऊंगा। तो अभी ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। अब हम लोग बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे और साथ में जो क्वेश्चन आपका सीबीएसई में इस बार सैंपल पेपर में दिया गया है वो भी इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अब जो मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, वो बोर्ड में 2 times आ चुका है, 2011 में और 13 में। और आप यकीन मानिए कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। प्रूविंग थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, लेकिन प्रूव करने का तरीका अगर आप एक बार सीखते हैं तो वो हमेशा सेम रहेगा। हर एक क्वेश्चन में जनरली हम लोग का प्रूव करने का तरीका यही होता है कि हम लोग अपने प्रूफ पर ध्यान देते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। आप अगर अपने प्रूफ में देखेंगे तो 1 + x² 2x - a ये सब दे रखा है। तो अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन करने जाते हैं तो आपको यहाँ पर 10 दिख रहा है जिसका आपको पता है कि sec स्क्वायर होता है, तो sec से तो यहाँ पर कोई मतलब है नहीं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नहीं करनी है, और यही चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है जब आपको कुछ प्रूव करना है। जब आपको दिया गया है कि पर्टिकुलर आपको इसी डायरेक्शन में जाना है तो आप अपने इस पे ध्यान देने के बाद स्टार्ट करेंगे। अगर आपने ये ध्यान दिए बिना स्टार्ट किया तो कई बार कुछ क्वेश्चंस तो आपसे जल्दी लग जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चंस में आप सच में फंस जाओगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करेंगे, इस 10 को इधर लेके आएंगे, 10 inverse x इज इक्वल टू 1 upon a log y। अभी आप देखिए, हम चाहें तो इस a को भी इधर ला सकते हैं
और अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं भी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आप सभी लोग को पता होगा कि इसका होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन ए, और आप ये लॉग वाई का हो जाएगा वन अपॉन बाय डी वाई अपॉन डी एक्स। कुछ लोग को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये डी वाई अपॉन डी एक्स क्यों आया, वो उसका मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ये y है और हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जब भी हम लोग किसी और के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो भी आपका साथ में आ जाएगा। अब आप देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर है और इक्वल्स टू में ए वाई डी वाई अपॉन डी एक्स है। अगर फिर से आपने यहाँ पर स्मार्टनेस नहीं दिखाई और आपने डायरेक्ट फिर से डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दिया तो भी आप फंस जाओगे। तो आपको इसको सिंपल बनाना है, तो सबसे पहले इस ए वाई को अगर हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या इसका हम लोग रेसिप्रोकल करना चाहें या इनको चेंज करना चाहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए अगर हम इसको वन प्लस एक्स स्क्वायर को इस तरफ लेके जाते हैं और ए वाई को इस तरफ लेके आते हैं। तो ये हम लोग को सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ए वाई हम लोग यहाँ पर लेके आ गए और वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन dx यहां पर लेके आ गए। ये आपको स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज आप कर तो लोगे लेकिन आपका बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद आप फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएट, अगेन वर्ड यूज कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ए वाई का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका a तो वैसे ही रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। वन प्लस एक्स स्क्वायर को आप ऐसे ही छोड़िए और डी वाई अपॉन डी एक्स का करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, प्लस का साइन, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़िए और वन प्लस एक्स स्क्वायर का करिए तो ये हो जाएगा टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आपको क्या करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स वाले को एक तरफ लेके जाना है और जैसे ही आप ऐसा करोगे आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ये आपका जीरो बन जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू बाय अपॉन डी एक्स टू, प्लस ये आप जब उस तरफ लेके जाएंगे तो आएगा टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, टू एक्स माइनस ए। आप देखिए अगर इसको सीधा करके लिख देते हैं तो यही हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू बाय अपॉन डी एक्स टू 2x माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। जो हमारा प्रूफ था वही हमारा ये आ गया है और बहुत ही आसानी से आ गया जब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डीपली समझा कि हम क्या करें जिससे कि हमें आसानी रहे। आपको कभी भी किसी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड या बड़ा नहीं बनाना है, आपको ये सोचना है कि कौन सी चीज ऐसी होगी जो हमारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेगी, और जितना ज़्यादा आप सिंप्लीफाइड तरीके से करेंगे उतना ही प्रूफ आपका आसानी से होगा। अब हम लोग वो क्वेश्चन देखेंगे जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर में दिया है। सीबीएसई 2020 के सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन है वो दिया गया है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा प्लस टू थीटा साइन टू थीटा, और वाई दिया गया है अलग से। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें हमें क्या करना पड़ता है कि ये देखिए पूरा थीटा में है और ये पूरा ये भी थीटा में है और हमें चाहिए लेकिन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू है, तो पहले तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा। लेकिन दोनों को ही निकालने के लिए पहले हमें इन दोनों को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अलग अलग, और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में भी आपको कराया था। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सिंपल और उसके बाद डिवाइड करेंगे, और जितना भी आपका आएगा उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर क्या प्रोसेस बनेगा तो उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये प्रोसेस समझाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं जिससे कि आपको ये समझ आ जाए कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए डी वाई, मैं ज्यादा यहां पर लिखूंगा नहीं क्योंकि हमारा मेन क्वेश्चन नहीं है। डी वाई अपॉन डी थीटा आपको साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, और यहां से आपको डी एक्स बाय डी थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब आपको जब क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो पहले ऊपर वाई लिख दिया जाएगा यानी कॉस थीटा,
और नीचे माइनस का साइन थीटा, दोनों को जब कट करेंगे आपको मिल जाएगा माइनस का कॉट थीटा, माइनस का कॉट थीटा आपका आ गया। अब आपको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है। आप जब इसको इस तरीके से लिखेंगे, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब यहां पर थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स टू नहीं बन पाएगा, और अगर हम लोग इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो यहां पर प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से ये गलती भी बहुत से स्टूडेंट करते हैं कि वो डायरेक्टली कर देते हैं इसको सिंपली एक्स के रेस्पेक्ट में, और ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ हमारा थीटा लिखा हुआ था। और ये एक बहुत ऐसी मिस्टेक है जो ज्यादातर स्टूडेंट, और मैंने देखा है आपको, मैं सही बता रहा हूं, मेरे क्लास के तो 70-80% स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, और फर्स्ट टाइम जो भी पढ़ रहा होता है वो ये गलती कर देता है। तो हमें क्या करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू यहां पर एक्स करेंगे हम लोग। जैसे हम लोग एक्स करेंगे हमें मिलेगा डी टू बाय अपॉन डी एक्स टू, और कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी जो गलती मैं अभी बोल रहा था वो आपको नहीं करनी है कि थीटा अपॉन डी एक्स, ये लिखना पड़ेगा आपको। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपका आपने गलत कर लिया। तो आप अब चेक करिए कि आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या था, ये माइनस का साइन थीटा, तो वो वैल्यू अब आपको वहां पर पुट करनी पड़ेगी, मतलब कि वन अपॉन साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा यहां पर आपको पुट करना पड़ेगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये ऊपर आके आ जाएगा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा। ये बात बहुत से लोग गलती करते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसी के ऊपर बेस्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और समझिए, और अगर आप ये समझ गए हैं कि कैसे मैंने किया तो आपको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं आपको ये नहीं बताता तो शायद आप ये क्वेश्चन नहीं समझ पाते। तो अब आप इस वीडियो को, क्योंकि अगर आपने ये देखा तो ये तो कभी बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं, इतना सिंपल आपका बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का आने के चांस है। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी है तो आगे भी पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे कि आप जो प्रॉपर सही चीज है वो सीख सकें। और क्योंकि आप इस वीडियो पर देख सीखने के लिए आए हो, तो और अपना ये टाइम इस क्वेश्चन के लिए आप जरूर देना। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे होगा ये। पहले एक्स को हम लोग लिख लेते हैं ए कॉस टू थीटा प्लस टू थीटा साइन टू थीटा। देखिए किस टाइप से ये सॉल्व होगा, आपको इसको जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने थीटा के रेस्पेक्ट में किया था वैसे ही करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा आ जाएगा, और ये बहुत ध्यान रखिएगा कि ए कांस्टेंट जरूर है लेकिन इसके साथ में भी काफी कुछ लिखा हुआ है, कल भी मैंने आपको बताया था, तो ये यही रहेगा, कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। कॉस टू थीटा का क्या होगा, कॉस का होगा साइन माइनस का, और टू थीटा का होगा टू, तो ये आ गया माइनस टू साइन टू थीटा प्लस। यहां पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि टू थीटा साइन टू थीटा यानी कि दो अलग अलग टर्म्स हैं, एक है टू थीटा या सिर्फ थीटा को ले लें, और एक है साइन टू थीटा। टू को अगर हम लोग चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं, इस ब्रैकेट के बाहर रख लें तो कोई हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हमें क्या करना है, थीटा और साइन टू थीटा का करना है। तो पहले एक का करेंगे दूसरे का छोड़ेंगे, तो थीटा का अगर हम लोग कर रहे हैं तो थीटा का वन आएगा और साइन टू थीटा को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। अब अगर ऐसे ही साइन टू थीटा का कर रहे हैं तो टू कॉस टू थीटा आएगा और थीटा को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन एक स्टेप के बाद इसको क्लियर करके लिख जरूर लीजिए, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहां पर आ गया आपका ये ए और ये टू यहां से भी बाहर आ रहा है, तो पूरा टू बाहर निकाल लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा टू ए, यहां से आपको मिलेगा माइनस साइन टू थीटा प्लस साइन टू थीटा, और ये आपको यहां से मिलेगा टू कॉस टू थीटा थीटा। आप एक चीज और देख सकते हो कि ये दोनों हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, और यहां से आ जाएगा आपका टू ए और टू और टू आपको मिल जाएगा फोर, और थीटा को पहले लिख लेंगे और फिर आपका आ जाएगा कॉस टू थीटा,
इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आप आ जाइए बाय पर। तो जब आप बाय पर आएंगे